तो ये हमने अपने पिछले थोड़े ही दिनों में काटा था, सितंबर अक्टूबर महीने में हम इसको काट लेते हैं। और आजकल जब बारिश पड़ती है तो हम ऐसा सूखा घास पशुओं को खाने के लिए डाल देते हैं, क्योंकि जो हम अपने टकरे से घास लेके आते हैं, मतलब घासने से घास लेके, वो गीला होता है, बारिश में हम गीला घास पशु को नहीं दे सकते। तो हमने ऐसा सूखा घास लाया होता है, स्टोर करके रख लेते हैं, सारा घास स्टोर करके रख लेते हैं। तो मैंने अभी गायों के लिए थोड़ा थोड़ा घास ये डाल दिया सूखा, तो हम अभी इनको हरा घास में निकालेंगे। तो जब तक हम हरा घास निकालेंगे तब तक पशु ये सूखा घास खा लेंगे। जरूरी है पशुओं के लिए, ये बहुत ज़्यादा गर्मी होता है सर्दियों में आजकल पशुओं को डालने के लिए, और हरा घास भी ज़रूरी होता है क्योंकि हरे घास से पशु दूध भी देते हैं और उनका मन भी ऐसा कुछ और टाइप से हो जाता है। जैसे कि हम लोग मतलब कंटिन्यू ऐसी एक ही सब्जी खाएंगे तो हमारा मन नहीं करता है, वैसा ही पशुओं के लिए भी होता है। तो मैं अभी परी को निकाल लेती हूँ बाहर, वो तो अंदर मस्ती कर रही है, तो उसे भी तो धूप सेकनी है। दौड़ मुखिया में परी परी कौन है? इसका मन नहीं कर रहा था, अभी भी ऐसे दौड़ दौड़ के भी ये थक जाती, तो अभी भी ऐसे सोच रही है कि मुझे कहीं भागने देते, लेकिन हमने नहीं इसको भागने देना, हमें काम भी करना है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे ये बांस का बीड़ा है, तो कितना बड़ा है ये, तो कुछ यहाँ पे बांस की ये जो नाले नाले बोलते हैं इसको भाई, ये नाली है, ये कुछ इसमें जो ये लगी है ये सूख चुकी है और कुछ इसमें हरी है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफान चला हमारे यहाँ पे, तो ये एक टेढ़ी भी हो गई यहाँ पे है, वैसे कि हरी पर ये टेढ़ी हो गई। तो अभी मैं पता कहाँ जा रही हूँ, अभी मैं आपको अपने घर के आसपास लगता है एक छोटा सा जंगल है वहाँ के आपको थोड़ा सा व्यू बता देती हूँ। तो देखिए हवा से कितनी सारी यहाँ पे चीलों के जो पेड़ थे वो गिर गए, टेढ़े हो गए, बिल्कुल गिरे भी नहीं हैं वैसे, टेढ़े हो गए हैं। और मौसम कितना सुहाना है, अभी आलूओं को उबाल लिया है और हाथ से ऐसे धीरे धीरे इनको बिल्कुल बारी करके मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने आलू को मैश कर लिया और ये डाल दी हमने इसमें थोड़ी सी हरी मटर, और ये डाल दिया हमने अपने स्वाद अनुसार नमक, ये डाल दिया हमने हल्दी पाउडर, ये डाल दिया हमने चिल्ली पाउडर, और साथ में डाल दिया ये जीरा साबुत, डाल दिया हमने कसूरी मेथी। तो हम इस मिक्सचर को अच्छे से फिर दोबारा से ऐसे मैश कर लेंगे। ले लिया है साफ पानी ठंडा, और हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके इसको जो आलू का हमने पेस्ट निकाला था उसको हम ऐसे गोल गोल सा बना लेंगे, क्योंकि हमें बनाने हैं आलू के कोफ्ते। तो आलू के कोफ्ते के लिए हम ऐसा लेंगे। एक बार जरूर ट्राई करिएगा, मैंने एक दिन भी ऐसे बनाए थे, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं, तो आप जरूर ये ट्राई करिए। तो हमने कुछ मटर यहाँ पे चॉप ऐसे ही साबुत ही डाल दिए, और कुछ मटर हम यहाँ पे चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये लगा है इनको चॉप करने, जय माता दी। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? तो आज हमारे घर बन रहे हैं आलू के कोफ्ते, और मैं अभी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। ये मटर चॉप कर लिए हैं, आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ साबुत रखे हैं और कुछ चॉप कर लिए हैं। तो अब हम इनको पेस्ट के साथ ऐसे ही मिक्स कर लेंगे, और अब हमने ये पेस्ट अच्छे से मिक्स कर लिया है यहाँ पे।
तो मैं ऐसे ही इस सारे पेस्ट के गोले गोले से बना लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे छोटे छोटे इनके गोले बना लिए। यहाँ चूल्हे पे हमने रख ली थी कढ़ाई, तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें ये काला काला क्या है। तो मैंने अभी ही इसमें ब्रेड पकौड़ा बनाया था, तो ये उसका पेस्ट बच गया है। और ये डाल दूंगी मैं इसमें। और यहाँ पे हमारे जो आलू के कोफ्ते हैं वो ये फर्स्ट रॉ यहाँ पे निकल गया। और ये बन गया हमारा सेकंड रॉ। तो हम इनको बीच बीच में ऐसे ही फैलाते रहेंगे कि ये चारों साइडों से पक जाए। तो अब ये हमारा लास्ट रॉ था, तो अब हमने ये भी निकाल लिया। तो चूल्हे पे रख ली हमने फिर दोबारा से कढ़ाई। तो आप सोच रहे होंगे कि कढ़ाई का तो आज बहुत बुरा हाल हो गया जल के। तो मैंने अभी इस पे ब्रेड पकौड़ा बनाया और फिर दोबारा से आलू के कोफ्ते बनाए, तो उसकी वजह से मेरी कढ़ाई सारी ही जल गई। तो आप मुझे इस बात के लिए, मेरी गलती को इसको इग्नोर कर देना। और अब डाल लेती हूँ मैं सूखा धनिया। साबुत जीरा और साथ में डाल दी हल्दी। ये हमने लस्सी और बेसन का घोल तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और इसको थोड़ी टाइम के लिए पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। बनके तैयार होगी। तो अब हम उतार लेते हैं कढ़ाई नीचे। तो अभी हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे बना रही हूँ आज मैं फिर दोबारा से मक्के की रोटी। तो कढ़ी के साथ चावल और मक्की की रोटी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर रोटी बना लेती हूँ। ठंडी हो चुकी हैं और ये है हमारे आलू के कोफ्ते। तो अब हम इनको कढ़ी में ऐड कर लेंगे। तो ये बन गई हमारी कोफ्ते वाली कढ़ी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी होगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर जरूर करिए ना। और ये बन गई हमारी आलू के कोफ्ते की कढ़ी। ओके बाय।